हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर राइट ऑल द नंबर्स लेस देन हंड्रेड विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फोर कौन से नंबर लिखने हैं स्टूडेंट्स कॉमन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फोर बट लेस देन हंड्रेड तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीपल ऑफ थ्री लिख देंगे चलो मल्टीपल्स ऑफ थ्री तो थ्री का टेबल बोलना है आपको थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री ज़ा नाइन तीन तीन बढ़ाते जाओ थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन थ्री सिक्स ज़ा एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी राइट ना हंड्रेड तक लिख रहे हैं हमें स्टूडेंट्स राइट right? सो थर्टी थ्री थर्टी सिक्स थर्टी नाइन फोटी टू फाइव फोर्टी एट दैन फिफ्टी वन तीन तीन बढ़ाते जाने के फिफ्टी फोर फिफ्टी 63, सिक्सटी सिक्सटी थ्री सिक्सटी सिक्स सिक्सटी नाइन सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव सेवेंटी एट एटी वन 84, 87, 90, 93, 96, 99. नाइन अब आगे तीन बढ़ाएंगे तो वो हंड्रेड से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम वो लिख नहीं सकते क्लियर नेक्स्ट इज़ मल्टीपल ऑफ किसका लिखना है फोर का लिखना पड़ेगा तो फोर का टेबल बोलना है फोर फोर बढ़ाते जाओ फोर वन ज़ा फोर फोर टू जी एट फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर फोर ज़ा सिक्सटीन

एटी एट नाइन्टी राइट अब 100 नेक्स्ट फोर हो जाएगा 100, बट यहां पे क्या बोला है लेस देन 100. चलो अब इसके कॉमन ढूंढने हैं जो कॉमन होते हैं वो चलो ये 12 कॉमन है ओके okay. उसके बाद 24 कॉमन है देन आफ्टर 36 कॉमन है क्लियर चलो उसके बाद आपको कॉमन देखना है तो फोर्टी एट कॉमन है उसके बाद आपको कॉमन देखना है सिक्सटी उसके बाद आपको कॉमन आएगा ये सेवेंटी टू देन आफ्टर कॉमन होगा आपका एटी फोर राइट देन आफ्टर कॉमन होगा 96 सिक्स क्लियर सो लास्ट में क्या लिखेंगे देयर फॉर द कामन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड फोर आर ये जो कॉमन है वो लिख देंगे राउंड वाले सर्कल्स जो ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट सिक्सटी सेवेंटी टू एटी फोर एंड नाइन्टी सिक्स क्लियर है स्टूडेंट्स इन दिस वे वी कैन हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किसे कहते हैं तो ये जो नंबर है ये दोनों नंबर में अगर सिर्फ दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा one होगा उसे हम कौन सा नंबर कह सकते हैं को प्राइम कह सकते हैं ठीक है दोनों नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसमें अगर हमें कॉमन क्या मिला वन मिला तो हम बोल सकते कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है चलो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है एटीन एंड थर्टी फाइव तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एटीन के फैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स चलो तो वन इंटू एटीन देन आफ्टर टू इंटू नाइन ज़ा टू नाइन जटीन थ्री सिक्स जटीन चलो फोर से डिवाइड होगा नहीं फाइव से नहीं सिक्स थ्रीन रिपीट हो गया स्टॉप कर देंगे चलो थर्टी फाइव के लिखे वन इंटू थर्टी फाइव टू से डिवाइड नहीं होगा थ्री से नहीं होगा फोर से भी नहीं होगा फाइव सेवन जा थर्टी फाइव चलो सिक्स से डिवाइड करे तो भी नहीं होगा सेवन से करे तो सेवन फाइव जा रिपीट हो गया ओके देर फॉर चलो एटीन के फैक्टर लिखे और थर्टी फाइव के फैक्टर्स लिखे वन टू थ्री सिक्स नाइन एंड एटीन थर्टी फाइव के फैक्टर्स क्या मिले वन फाइव सेवन एंड थर्टी फाइव अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहां पे दोनों नंबर में कॉमन क्या है सिर्फ वन है ठीक है अगर दो नंबर के फैक्टर्स कॉमन फैक्टर वन ही हो तो हम उसे बोल सकते कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है ठीक है क्या लिखेंगे दिस नंबर्स आर को प्राइम क्लियर है स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बी चलो फिफ्टीन एंड थर्टी सेवन चलो पहले क्या करेंगे फिफ्टीन के फैक्टर्स लिखेंगे फिफ्टीन के फैक्टर्स कौन से हैं वन से शुरू करेंगे तो वन इंटू फिफ्टीन देन टू से स्टार्ट करें तो टू के टेबल में फिफ्टीन नहीं आता है तो क्या करेंगे थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अब फोर से चेक करें तो फोर से भी नहीं होता है फाइव से चेक करें तो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन रिपीट हो गया स्टॉप कर देंगे चलो थर्टी सेवन की बात करें तो वन थर्टी सेवन जटी सेवन थर्टी सेवन टू से भी नहीं होगा थ्री से नहीं भी नहीं होगा राइट बिकॉज इट इज़ प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक वन और एक नंबर खुद चलो तो यहाँ पे फिफ्टीन और थर्टी सेवन लिख दे कौन सा फैक्टर है वन थ्री फाइव फिफ्टीन और थर्टी सेवन का वन एंड थर्टी सेवन क्लियर चलो दोनों में कॉमन क्या है वन दर फॉर दिस नंबर्स आर को प्राइम नंबर क्लियर है ओके न फोर्थ इज थर्टी एंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन नेक्स्ट नंबर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी एंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन चलो सबसे पहले हम थर्टी के फैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स चलो वन थर्टी जा थर्टी टू से डिवाइड करके चेक करेंगे तो टू फिफ्टीन जा अगर आपको टेबल नहीं आते तो इसको डिवाइड करके चेक करो चलो थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री टेन जा चलो फोर के टेबल में थर्टी नहीं आता है फाइव के टेबल में फाइव सिक्स के टेबल में सिक्स फाइव जा रिपीट हो गया स्टॉप कर देंगे चलो फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन की बात करें तो वन इंटू फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन चलो ये टू से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज हमने आगे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है स्टूडेंट्स टू की डिविजिब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स या एट हो तो ही वो टू से होता है चलो थ्री के लिए क्या चेक करते थे हम सबका प्लस करेंगे तो ये फाइव प्लस फोर नाइन टेन नहीं होगा थ्री से भी फोर से भी नहीं होगा फाइव से डिवाइड होगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज़ फाइव तो फोर वन फाइव को फाइव से डिवाइड करो फाइव एट्स आर फोर्टी फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन तो फाइव एटी थ्री ज़ा फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन क्लियर है स्टूडेंट्स सिक्स से भी नहीं होगा सेवन से चेक करके करो तो सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव सिक्स फाइव नहीं होगा एट से भी नहीं होगा नाइन नहीं हो सकता टेन नहीं हो सकता ठीक है तो अब ये फैक्टर्स मिल गए इसके अब हम क्या करेंगे थर्टी इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव सिक्स टेन फिफ्टीन एंड थर्टी और फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन के अंदर वन फाइव एटी थ्री एंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन चलो दोनों में कॉमन देखो वन तो है और फाइव भी है राइट देर फॉर दिस नंबर्स आर नॉट को प्राइम को प्राइम की डेफिनेशन क्या है दोनों नंबर में यह जितने भी नंबर दिए है सभी नंबर्स के अंदर वन ही कॉमन होना चाहिए क्लियर है स्टूडेंट्स मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर डी सेवेंटीन एंड सिक्सटी एट चलो पहले सेवेंटीन के फैक्टर लिखेंगे तो वन इंटू सेवनटीन ये खत्म बिकॉज सेवेंटीन इज वॉट प्राइम नंबर चलो अब सिक्सटी एट के फैक्टर्स लिखे तो वन इंटू सिक्सटी एट चलो टू से चेक करें तो टू थर्टी फोर ज़ा टू से इसको डिवाइड करके चेक करो चलो थ्री के लिए चेक करें तो थ्री से ये डिवाइड नहीं होगा फोर से वन ज़ा फोर यस फोर से डिवाइड होगा चलो सिक्सटी फोर को सिक्सटी एट को आप फोर से डिवाइड करो फोर वन ज़ा फोर टू ऊपर सा एट फोर सेवन जा ट्वेंटी एट फोर इन सेवेंटीन क्लियर चलो फाइव से नहीं होगा सिक्स से भी नहीं होगा सेवन से भी नहीं होगा एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन अब इन शॉर्ट फोर्टीन, सॉरी सेवनटीन फोर ही होगा तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे ठीक है चलो सेवनटीन लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे सिक्सटी एट सेवनटीन के फैक्टर्स कौन से हैं, वन एंड सेवेंटीन दो ही है चलो इसके वन टू फोर सेवेंटीन थर्टी फोर एंड सिक्सटी एट चलो इसमें वन भी कॉमन है और सेवेंटीन भी कॉमन है स्टूडेंट्स सो so, ये नंबर भी को प्राइम नहीं कहलाएंगे देर फॉर दिस नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर ठीक है ये नंबर जो है वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे क्लियर है स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई दैट इज़ टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन एंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन क्लियर चलो पहले टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन के फैक्टर्स निकालेंगे तो वन इंटू टू हंड्रेड सिक्सटीन चलो टू से डिवाइड करेंगे तो टू इंटू वन जीरो एट टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन को टू से डिवाइड करो टू टेन ज़ा ट्वेंटी वन बचा ऊपर से नीचे जी सिक्स आया टू एट जिक्सटीन क्लियर चलो थ्री से डिवाइड होगा बिकॉज इन सब का प्लस करें तो मिल रहा है नाइन चलो थ्री से डिवाइड करें इसको तो हमें क्या आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन को थ्री से डिवाइड करे थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन जीरो जीरो ऊपर से सिक्स आया थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री इंटू सेवेंटी टू चलो फोर से डिवाइड करेंगे तो टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन को फोर से डिवाइड करो फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी वन ऊपर से नीचे सिक्स आया फोर फोर ज़ा सिक्सटीन तो फोर इंटू फिफ्टी फोर चलो फाइव से नहीं होगा सेवन से चेक करें नहीं होगा डिवाइड एट से चेक करे तो ऐट टू ज़ा सिक्सटीन फाइव और सिक्स एट सेवेन ज़ा फिफ्टी सिक्स तो एट इंटू ट्वेंटी सेवन चलो नाइन से चेक करे तो ये डिवाइड होगा नाइन टू ज़ा एटीन थ्री सिक्स नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स तो नाइन इंटू ट्वेंटी फोर चलो टेन से नहीं होगा इलेवन से नहीं होगा ट्वेल्व से नहीं होगा सॉरी ट्वेल्थ से डिवाइड करके चेक करेंगे होगा डिवाइड बिकॉज टू ट्वेल्व वन ज ट्वेल्व तो यहाँ एट और नाइन सिक्स तो ट्वेल्व एट ज़ा नाइन्टी सिक्स तो ट्वेल्थ से डिवाइड होगा 12 इंटू एटीन क्लियर चलो फिर थर्टीन से चेक करेंगे तो नहीं होगा थर्टीन से डिवाइड फोर्टीन से चेक करें तो 14 वनजा 14 और सिक्स सेवन सेवेंटी सिक्स नहीं होगा डिवाइड फिफ्टीन से चेक करे तो फिफ्टीन वनजा फिफ्टीन नहीं होगा फिर से सिक्सटीन से डिवाइड करें नहीं होगा अब एटीन ट्वेल्व जा रिपीट हो जाएगा ठीक है तो ये हो गए स्टॉप कर दो इधर टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन के बात करें तो वन इंटू टू हंड्रेड फिफ्टीन चलो ये टू से तो होगा नहीं डिवाइड थ्री से फाइव प्लस टू सेवन एट नहीं होगा फोर से भी नहीं होगा फाइव से करे तो चलो टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन को फाइव से डिवाइड करें फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फिफ्टीन फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव इंटू फोर्टी थ्री चलो सिक्स से नहीं होगा सेवन से नहीं होगा एट से भी नहीं होगा नाइन से भी नहीं होगा टेन इलेवन थर्टीन चलो थर्टीन से डिवाइड करने का ट्राई करे तो थर्टीन जो थर्टीन सेवन एट एटी फाइव नहीं होगा डिवाइड थर्टीन से भी फोर्टीन से चेक करे नहीं होगा फिफ्टीन से अब डायरेक्ट फोर्टी थ्री फाइव से तो रिपीट हो गया डरफॉर टू वन सिक्स इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे वन टू थ्री फोर एट नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन फिफ्टी फोर सेवेंटी टू वन ज़ीरो एट एंड टू वन सिक्स और टू वन फाइव के फैक्टर्स लिखे तो वन फाइव फोटी थ्री टू वन फाइव दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है वन ही है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाएंगे को प्राइम देयर फॉर दिस नंबर्स आर को प्राइम ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81 एंड 16 तो so, सबसे पहले 81 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वन इंटू एटी वन चलो एटी वन टू से तो होगा नहीं थ्री से डेक चेक करें तो थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन क्लियर चलो फोर से नहीं होगा फाइव से नहीं होगा सिक्स से नहीं होगा सेवन से नाइन से नाइन नाइन ज़ा एटी वन रिपीट हो गया स्टॉप क्लियर चलो अब सिक्सटीन की बारी वन इंटू सिक्सटीन टू एट ज़ा थ्री से नहीं होगा फोर फोर ज़ा तो ये रिपीट ओके okay, अब इधर एटी वन लिखे और इधर सिक्सटीन चलो एटी वन के फैक्टर्स क्या है वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एंड एटी वन और सिक्सटीन के वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है वन ही कॉमन है देर फॉर क्या लिख सकते हैं हम दिस नंबर्स आर को प्राइम नंबर क्लियर है स्टूडेंट्स सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फाइव समझ में आ गया होगा नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ फाइव एंड ट्वेल्व कोई नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है फाइव एंड ट्वेल्व से सो बाई विच अदर नंबर इट विल नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल तो ऐसा कौन सा दूसरा नंबर होगा जिससे ये नंबर डिविजिबल है क्या दिया स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि सपोज आपके पास कोई नंबर है वो फाइव और ट्वेल्व दोनों से डिवाइड होता है तो और कौन से नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा ठीक है तो सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज नंबर इज एक्स आपका सपोज नंबर है एक्स तो ये एक्स नंबर है वो फाइव से भी डिवाइड हो रहा है और ट्वेल्व से भी डिवाइड हो रहा है और कौन से नंबर से डिवाइड होगा वो आपको फाइंड करना है ठीक है चलो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि टू एट टू राइट चलो टू एट टू ये हमने एक एग्जाम्पल लिया क्या ये नंबर टू से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स यस बिकॉज लास्ट डिजिट इज टू चलो ये थ्री से डिवाइड होगा तो थ्री के लिए क्या करते हैं हम सबका प्लस तो टू प्लस एट टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व तो ये नंबर थ्री से भी होगा टू से भी होगा और थ्री से चलो सिक्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर टू से डिवाइड और थ्री से डिवाइड होता है तो वो नंबर डेफिनेटली सिक्स से डिवाइड होगा ही होगा इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा उससे ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा एक कोई नंबर फाइव से डिवाइड होता है ट्वेल्व से भी डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर मिलेगा उससे एक्स जो है वो डिवाइड होगा देर क्या लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाई ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्सटी देर नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्सटी जो नंबर फाइव एंड ट्वेल्व दोनों से होता है वो नंबर सिक्सटी से भी होगा ही होगा क्लियर है स्टूडेंट्स सो दिस वाज़ द क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर

नंबर इज एक्स अभी एग्जाम्पल लेके समझते हैं स्टूडेंट्स कि सेम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज हम हाँ टू एट टू या फोर्टी एट चलो अब ये जो फोर्टी एट है तो फोर्टी एट क्या टू से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स ऑफ़ कोर्स यस राइट चलो क्या वो थ्री से होगा यस yes. क्या वो सिक्स से होगा यस yes. अगर ये नंबर सिक्स से डिवाइड होता है तो इट मीनस दैट ये टू और थ्री दोनों से होगा सो so ये टू और थ्री क्या हुए सिक्स के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे मगर हम इस ये दूसरे नंबर से भी होगा ही होगा डिवाइड बट टू और थ्री से तो डेफिनेटली होगा तो so यहां पे क्या बोल सकते हैं हम अगर कोई नंबर सिक्स से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा ही होगा ठीक है तो यहां पे कोई नंबर सपोज एक्स है वो ट्वेल्व से डिवाइड होता है तो बाकी कौन से नंबर से डिवाइड होगा ट्वेल्व के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से ये डिवाइड हो सकता है तो हम क्या फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व ढूंढेंगे चलो ट्वेल्व यानी वन इंटू ट्वेल्व टू सिक्स जी फोर जा एंड फोर थ्री झा रिपीट हो गया देर कौन से नंबर से डिवाइड होगा वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व तो कोई भी नंबर 12 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 से ऑलरेडी डिवाइड होगा सपोज कोई नंबर एक्स जो है वो 12 से डिवाइड हो रहा है तो ये सभी नंबर से भी वो डिवाइड होगा इज डिविजिबल बाय वन टू थ्री फोर एंड सिक्स क्लियर स्टूडेंट्स सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेवन समझ में आ गया होगा आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल थैंक यू